नमस्कार, मैं प्रिया ताल, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन। चीन की तमाम चेतावनियों को नजरअंदाज कर अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया है। अमेरिकी स्पीकर की इस यात्रा के बाद से चीन बौखला गया है। चीन ने ताइवान की सीमा के नजदीक युद्ध अभ्यास भी शुरू कर दिया है। इस दौरान चीन के विमान ताइवान की सीमा में भी घुसे और उसके आसमान के आसपास मंडराते रहे। यही नहीं, गुस्साए चीन ने अमेरिकी राजदूत को तलब कर इस हरकत पर एतराज जाहिर किया है। खबर ये भी है कि चीन के 21 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में घुस गए हैं। चीन ने भी ताइवान और अमेरिका को इसका अंजाम भुगतने की धमकी दी है। ऐसे में सवाल ये उठा है कि आखिर दोनों देशों यानी कि चीन और ताइवान के बीच टकराव की वजह क्या है। दरअसल चीन वन चाइना पॉलिसी के रास्ते पर चल रहा है। इसी के तहत वह ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। दूसरी तरफ ताइवान खुद को चीन से अलग राष्ट्र मानता है। 73 सालों से दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर टकराव चल रहा है। दोनों देशों के बीच सिर्फ 100 मील की दूरी है। ताइवान दक्षिणी पूर्वी चीन के तट पर काफी करीब है। ऐसे में टकराव की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। ताइवान की समुद्री सीमा में भी चीन लगातार घुसपैठ करता रहा है। चीन नहीं चाहता कि ताइवान के मुद्दे पर किसी भी तरह का विदेशी दखल हो। 1644 से दोनों जब चीन के में चिंग वंश का शासन था, तब ताइवान उसी के हिस्से में था। 1895 में चीन ने ताइवान को जापान को सौंप दिया। इसी के बाद से दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया। 1949 में चीन में गृह युद्ध हुआ तो मातोसेतुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट ने चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कॉमिंगतांग पार्टी को हरा दिया। इसके बाद कॉमिंगतांग पार्टी ताइवान चली गई और वहां जाकर अपनी सरकार बना ली। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार हुई तो उसने कॉमिंगतांग को ताइवान का नियंत्रण सौंप दिया। इसके बाद से ताइवान में चुनी हुई सरकार बन रही है। वहां का अपना संविधान भी है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ताइवान को अपने देश का हिस्सा बताती है। चीन इस द्वीप को फिर से अपने नियंत्रण में लेना चाहता है और इसी वजह से दोनों देशों के बीच लंबे समय तक से युद्ध चल रहा है। फिलहाल चीन के इरादे और उसके मंसूबे ठीक नहीं लग रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं वो ताइवान पर सीधा आक्रमण ना कर दे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ।